दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही है। इसलिए जब आप हरे कृष्ण का नाम जप करते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम आपकी जीभ पर है, वो आपके साथ हैं। तो दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि हरे कृष्ण क्या है। दोस्तों, इसे महामंत्र अर्थात महान मंत्र के रूप में माना जाता है। इस मंत्र का उल्लेख काली संतरण उपनिषद में किया गया है। ये एक मंत्र है और हरे उस सच्चिदानंद भगवान को भाव से पुकारते हैं भक्तगण। यहीं पर 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अध्यात्म पथ की शिक्षा की शुरुआत की। हरे कृष्ण मंत्र एक 16 शब्द वाला वैष्णव मंत्र है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य है। हरे कृष्ण महामंत्र कुछ इस प्रकार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, यह भगवान सर्वोच्च सच्चिदानंद के तीन दिव्य रूपों शब्द रूप भगवान से बना है, हरे कृष्ण और राम। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं हरे कृष्ण मंत्र जाप करने के फायदों के बारे में। दोस्तों, इसके फायदे तो अनगिनत हैं, पर हम आपको यहाँ 6 सबसे महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहला फायदा है मन बुद्धि का नियंत्रण। दोस्तों, मंत्र का जाप करने से व्यक्ति अपने मन को पकड़ सकता है। हम सभी अनेक इच्छाओं बेकार विचारों के गुलाम हैं, जो हमारे मन को अशांत करके रखता है। लेकिन जैसा कि भगवत गीता कहती है कि मन को जीतना चाहिए। जिसने अपने मन को जीत लिया उसका दिमाग सबसे अच्छा दोस्त है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनका दिमाग उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से मन की शांति पाने में मदद मिलती है। दूसरा फायदा है जीवन में खुशियाँ। दोस्तों, जीवन में असली खुशी तब है जब खुशी बांटी जाए। हर कोई खुशी के लिए खोज में है और हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर हमें भगवान और हमारी आत्मा के साथ संपर्क को साझा करने की अनुमति देता है। इस प्रकार हमारे सहयोग में प्रवेश करके हमें हमारे आनंद की ओर ले जाता है। यह भौतिक सुख नहीं है बल्कि पारलौकिक सुख है। तीसरा है फ्रेंड्स, खुद को समझाने में सहायता मिलती है। दोस्तों, हम इस ब्रह्मांड के इतने आदि हो चुके हैं कि हम अपने सच्चे आध्यात्मिक आत्मा को भूल गए हैं। और जब हम इतने भौतिक हो गए हैं तो हमने मृत्यु बुढ़ापे और बीमारियों का डर विकसित किया है। हम सुंदरता बुद्धि शक्ति और अनगिनत अन्य भावनाओं के नुकसान से डरते हैं। जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम शुद्ध परिवर्तनशील आध्यात्मिक आत्मा है जो भौतिक शरीर से अलग है। मंत्र एक शुद्ध आध्यात्मिक ध्वनि कंपन है और यह हमें हमारे स्व को समझने के लिए चेतना विकसित करने में मदद कर सकता है। चौथा फायदा है फ्रेंड्स, कर्मा। दोस्तों, कर्म का मूल नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बराबर है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है कि प्रदर्शन की गई प्रत्येक भौतिक क्रिया के लिए प्राकृतिक कर्ता पर बराबर प्रतिक्रिया देती है। बाइबल कहती है कि जैसा तू बोता है वैसा ही तुझे काटना पड़ेगा। भौतिक गतिविधियां बीज बोने के समान हैं। दोस्तों, आपको उसी बीज का पौधा मिलेगा जिसे आप बोते हैं। हमारा भौतिक शरीर एक कर्म से दूसरे भाग्य में बदल जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हमें हमारे सकारात्मक कर्मों का निर्माण करने में मदद कर सकता है, क्योंकि कृष्ण महामंत्र जप का अर्थ है कि हम नाम को पारलौकिक ऊर्जा के साथ जप रहे हैं। पांचवा फायदा है परम गति। दोस्तों, जैसा कि एक व्यक्ति एक कर्म से दूसरे भाग्य में जाता है, वह भौतिक दुनिया में पुनर्जन्म के लिए मजबूर होता है। इस प्रकार एक जीवन से दूसरे जीवन में चला जाता है। आत्मा एक शाश्वत जीव है और हम एक भौतिक शरीर से दूसरे पदार्थ में जाते हैं। जब तक हमें भौतिक इच्छा है हम ऐसा करते रहेंगे। इसे आत्मा का रूपांतरण या पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जीवन के इस चक्र से मुक्त होने के लिए हमें मोक्ष की आवश्यकता है और जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति को संसार के रूप में भी जाना जाता है। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमारी चेतना भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो। कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हम आत्मा की प्राकृतिक आध्यात्मिक इच्छाओं के लिए खुद को खोलते हैं। यह हमारे भीतर की मूल ईश्वर चेतना को जागृत करता है और हमें उसके साथ जोड़ता है। इसके द्वारा हम पर
परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। और छठा लाभ है फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण लाभ, भगवान का प्यार। दोस्तों हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से सबसे महत्वपूर्ण लाभ भगवान की प्राप्ति और भगवान का शुद्ध प्रेम है। जब हमारी चेतना भगवान के साथ एक हो जाती है तो हमारे आध्यात्मिक दिव्यता को हमारे पात्रों और व्यवहार में दर्शाया गया है। दोस्तों इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का नाम हमारे हृदय में सोए भगवान के लिए प्रेम को जगाता है। जो कलयुग आज सभी के अंदर से गायब होती जा रही है, यह समझना चाहिए कि इससे पहले कि आत्मा भौतिक दुनिया में प्रवेश करती है, उसका ईश्वर के साथ एक अनूठा विशेष संबंध है। और इस रिश्ते की ताकत भौतिक शरीर के साथ की तरह मजबूत है। जब कोई मंत्र का जाप करता है तो वह भगवान के साथ इस रिश्ते को पूर्ण विकास और मजबूत करना शुरू कर देता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।